व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी विकास बैक विद अनदर फ्रेश वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग पबजी मोबाइल खेलते हो, और जितने भी खेलते हो उनमें से किस किस का फ़ोन लैग करता है पबजी मोबाइल में, वो भी बहुत गंदा वाला। तो मेरे ख्याल से ना बहुत लोग का ना पबजी मोबाइल लैग करता है उनके डिवाइसेस में, और उनके उसके लिए वो ना कई तरह के ना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे थर्ड एप्लीकेशन यूज़ करने से वो ना पबजी के गाइडलाइन के खिलाफ है, क्योंकि उनके ना ख्याल से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना उनके गेम के अंदर ट्विक करने के लिए वो एक हैकिंग मानी जाती है। और इन थर्ड पार्टी ऐप्स की वजह से कई लोगों के ना मेन अकाउंट्स भी बैन हुए, इसलिए ना वो कई लोग हिचकिचाते हैं ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ करने से। तो फ्रेंड्स, पर आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप बिना बैन हुए अपने ना गेम प्ले को स्मूथ विथ 60 FPS प्लस HDR एनेबल्ड किस तरह कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हो कौन सी एप्लीकेशन है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है ये मैंने इस्तेमाल की है, और ये 99% तक आपका ना अकाउंट बैन नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ करता भी नहीं है आपके आईडी के साथ। फिर भी ना अगर आप अपने ओन रिस्क पे यूज़ कीजिए, पर ना मोस्ट प्रोबेबली ये तो होने वाला है नहीं, फिर भी आप मेरे पीछे मत पड़ जाइए अगर आपका अकाउंट बैन हुआ। तो मैं कहता हूँ आप शुरू में ना कुछ अपने दूसरी आईडी या दोस्तों की आईडी से ना खेलिए, या फिर उसके बाद अपने ना मेन आईडी से आइए, ताकि ना रिस्क फ्री हो जाए आप तब तक के लिए। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स वो कौन सी एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप प्ले स्टोर में चल जाएंगे, और वहां से आप ना ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए जो अभी आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, जिसका नाम है GFX टूल फ्री एंटी बैन। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ना प्ले स्टोर में कई सारे एप्लीकेशन है जो दावा करते हैं कि ना आपको एंटी बैन के फीचर के साथ आपका फ़ोन लैग फ्री बनाएंगे, पर वो ना बहुत से सारे फेक होते हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट भी बैन हो जाती है। तो सिंपली आप ना लिंक को फॉलो करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो सिंपली ओपन कर लीजिए एप्लीकेशन को, और जब आप एप्लीकेशन ऑप्शन ओपन करेंगे तो आप कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे। इस पर ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो आप ना सेलेक्ट वर्जन का ऑप्शन देख रहे हैं, वहाँ से आपको ना वर्जन सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा वर्जन खेल रहे हैं अपने डिवाइस में। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 10.5 जो कि अभी ग्लोबल वर्जन चल रहा है, उसके बगल में 10.5 जो CNKR यानी चाइनीज वर्जन, कोरियन वर्जन, वियतनाम वर्जन, पबजी लाइट और पबजी बीटा। तो आप इनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए जो भी ना आपके मोबाइल में वर्जन चल रहा है। अगर आप पबजी लाइट खेल रहे हो तो पबजी लाइट सेलेक्ट कीजिए, अगर आप ना पबजी बीटा खेल रहे हो तो बीटा, कोरियन यानी कोरियन। तो पर जो GPA मोस्ट केसेस में ना आपको ग्लोबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ना सब कर्न ग्लोबल रहता है। तो ये था सेलेक्ट वर्जन। तो आप वर्जन सेलेक्ट करने का जो भी नीचे आएंगे तो ग्राफिक्स, तो आप यहाँ पे ग्राफिक्स आपको अपने मुताबिक सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ़ोन तो एकदम बहुत ही बकवास चलता है फ्रेंड्स, इसमें ये स्मूथ सेटिंग में भी मेरा फ़ोन नहीं चला सकता है। तो मेरे केस में मैं तो इसमें स्मूथ या स्मूथ HD रखूँगा, पर अगर आपका फ़ोन और बहुत ही ज़्यादा लैग करता है तो ना मेरी सजेशन रहेगी कि आप सो स्मूथ में सेलेक्ट कर लीजिए अपने ग्राफिक्स को, पर मेरे केस में मैंने स्मूथ सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद ना अगर आप नीचे आओ स्टाइल्स पे, तो ये ना आपके ना पर्सनल प्रेफरेंस पे रहता है कि आपको ना किस तरह का ना स्टाइल पसंद है। मेरे केस में मुझे कलरफुल पसंद है। अगर ना आपको रियलिस्टिक या क्लासिक या सॉफ्ट या मूवी, आपको जो भी पसंद हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में मैं कलरफुल सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे कलरफुल पसंद है। अब उसके नीचे आएंगे तो आपको रेजोल्यूशन सेट करना पड़ेगा कि आपका फ़ोन किस स्क्रीन का है। अगर आपका फ़ोन फुल HD है तो आप थोड़ा नीचे उससे ना 1440p नहीं तो ना 900 में सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका फ़ोन उससे भी ज़्यादा ना हाई रेजोल्यूशन का यानी 2K डिस्प्ले है, तो आप ना सिंपली 1080p पे आ जाइए। क्योंकि ना फ्रेंड्स, अगर ना आपका फ़ोन जो भी ना स्क्रीन सपोर्ट करता है उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको बेटर गेम प्ले मिलेगा। मेरे केस में मेरा फ़ोन ना फुल HD है, तो मैं 720p रख रहा हूँ, क्योंकि ना मेरा फ़ोन बहुत ही लैग करता है, तो मुझे एकदम स्मूथ गेम प्ले चाहिए, तो 720p मेरे लिए बेस्ट है। अब FPS की बात करूँ तो ना अगर आपका फ़ोन में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है या मीडियाटेक का भी कोई हाई एंड यानी P60 P70 प्रोसेसर है, तो आप ना 60 FPS या 40 FPS रख सकते हो फ्रेंड्स। पर आपका फ़ोन वही अगर पुराना ना लैगी गेम प्ले चलता है तो ना आप 30 FPS भी रख सकते हो, पर मेरे ख्याल से ना सबको तो अच्छा ही फ़ोन होगा, तो आप 60 FPS रख सकते हो। अब अगर उसके नीचे आएंगे शेडोज़ में, तो आप ना शेडोज़ एनेबल डिसेबल कर सकते हो, GPU ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, और इस तरह के और भी कुछ। तो फ्रेंड्स, पर मैं आपको ये बताना भूल गया कि अगर आपके फ़ोन में ना स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है या समथिंग 660 या 710 का प्रोसेसर है, और अगर आपको HDR में खेलना है तो आप वापस ग्राफिक्स में जाके बैलेंस की जगह HDR भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका गेम प्ले और स्मूथ हो जाएगा। अब ये सब करने के बाद यहाँ पे सिंपली अप्लाई पे कर लीजिए, और या रन गेम पे सेलेक्ट करके अपना गेम लॉन्च कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको ना नहीं दिखाने वाला इस ना फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में ना गेम रन करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ना मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं करता है। अगर मैंने गेम लॉन्च किया तो ना मेरा मोबाइल फ़ोन पूरा क्रैश हो जाएगा, और मुझे फिर से ना रिस्टार्ट करना पड़ेगा अपना फ़ोन।
तो फ्रेंड्स मैं नहीं दिखाऊंगा, पर आप मेरी बात मानिए, ये एकदम एंटी बैन फ्री है। आपका अकाउंट कभी बैन नहीं होने वाला, 99% तक तो नहीं होगा, फिर भी 1% का रिस्क तो रहता ही है हर जगह। तो फ्रेंड्स ये था वो एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप कर सकते हो अपना गेम प्ले को 60 FPS विथ HDR विथ एंटी बैन। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि एप्लीकेशंस कौन कौन पहले से इस्तेमाल कर रहा है और क्या उनका अकाउंट बैन हुआ, तो ना कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए कि आपका अकाउंट बैन हुआ कि नहीं। और इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके अलावा मैं और टेक वीडियोस भी लाता हूँ, फ़ोन के लीक्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो, तो उसे भी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको मिलता अगले किसी एक वीडियो में।